कांग्रेस को कई राज्यों में पार्टी नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिंह उर्फ राहुल भैया ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। अजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस के जो हालात है, उसके लिए जिम्मेदार पार्टी के नेताओं को ही प्रदेश कांग्रेस की नई टीम में जगह दी गई। अजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार रहे। अर्जुन सिंह के बेटे हैं। अर्जुन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की खराब हालत के लिए जिम्मेदार नेता ही आज भी पार्टी में प्रभावशाली है। ऐसे हालात में क्या किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि 20 साल से कुछ ही लोग सारे फैसले ले रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्य में कैबिनेट मंत्री रहे अजय सिंह ने कहा कि जिन्होंने कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाया, आज भी वही लोग फैसले ले रहे हैं, तो फिर पार्टी को भगवान ही बचा सकता है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस समिति की नई कार्यकारिणी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीसीसी की नई सूची को मंजूरी दी, प्रदेश में इसका विरोध शुरू हो गया। इंदौर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। बता दें कि इंदौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृह जिला है। कांग्रेस के आपसी टकराव के सामने आते ही भाजपा सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भी तंज कसा और इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। जब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनको सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी छोटे से कर्मचारियों से 15 से 20 मिनट बाहर रुकवा देते हैं। कमरे के बाहर इंतजार करना पड़ता है कि हमारे राजकुमार और हमारी देवी जी मुझे बुला लें। उस कांग्रेस से आप क्या अपेक्षा करोगे कि वहां जमीन के नेता को इज्जत मिलेगी? लोकसभा चुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए इस बार भी खराब रहे थे। बीजेपी ने यहां सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। 2019 में कांग्रेस ने एक सीट छिंदवाड़ा जीती थी, लेकिन इस बार वह सीट पर भी चुनाव हार गई। चुनाव नतीजों के बाद यह उम्मीद थी कि कांग्रेस जीतू पटवारी के नेतृत्व में नए नेताओं को आगे बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। वहीं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने हैरानी जताई कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के भरोसेमंद लोगों को भी पीसीसी में शामिल किया गया। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में परिवारवाद की भी छाया साफ दिखाई दे रही। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को महासचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के भाई सचिन यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया। दिग्विजय सिंह के रिश्तेदार प्रियव्रत सिंह को भी उपाध्यक्ष जैसा अहम पद मिला है। वहीं विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को कांग्रेसी बताया था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़।